तो दोस्तों हेलो दोस्तों, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। आपको बताने वाले कि वो क्वेश्चन कैसे किस तरह से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है। तो भैया टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु, यहाँ पर पी और क्यू, ये जो दिया है इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वन ये है, एक्स टू ये है, ठीक है। तो पी 3/12 में एक्स वन इक्वल टू 3 और ये एक्स टू अपना 12, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक्स वन ये है और ये अपना वाई टू होगा, ठीक। और फिर इसके बाद क्यू 11/8 में एक्स टू अपना कितना है 11 और वाई वन, यहां पर वाई टू हो चुका है ना, वाई वन कितना होगा 8, ठीक। और दूरी का सूत्र क्या होता है, PQ इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस इसका होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार होगा इसका। अब इसमें मान रखने पर, ठीक है, सबसे पहले अपना क्या है, एक्स टू कितना है 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अपना कितना है वाई टू कितना है 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक, कुछ इस तरह ये बनेगा। एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस ये 12 माइनस 8 क्या हो जाए, 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। अब इसको आगे और लिख सकते हैं इस प्रकार, ये 8 है इसका 64 हो जाएगा, 4 है इसका 16 हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं तो इसमें 6 गया, हाँ 4 6 10 इसका 70, 70 और ये 10 80। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं ना, 11 माइनस 3 8, 12 माइनस 8 4, 11 माइनस 3 ठीक, कुछ यहाँ पर गलत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट 80, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर मेन ट्विस्ट आता है, यहाँ पर 80 किसी का वर्गमूल नहीं है, इस कारण से हम लोग को इसका एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर ये रफ कार्य है ना, तो इसे आपको रफ कार्य में करना है, पेपर में नहीं। तो ये 80, ठीक, अब 80 को हम लोग चलो 2 से वो करते हैं, तो ये 4 0, फिर 2 से 2 0, फिर 2 से और फिर यहाँ पर ये 5 में, ठीक है, ये और यहाँ पर 5 एकम 5, मतलब ये 1 2 निकल गया, ये 1 2 निकल गया और 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये 2 × ये 2, ठीक है। और यहाँ पर ये है, ये 5 अकेला है, इसका कोई जोड़ी नहीं बन रहा, इसलिए ये तो अब हमारा इसमें इसका सही उत्तर होगा। आप लोग इसको यार नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो अपना आगे का आंसर होगा 4 √, यहाँ पर 80 था यहाँ पर और इधर अपना 5 बचा हुआ था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मैंने एक एक चीज आपको बताया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, मतलब दिया है r = 7 सेंटीमीटर,
ठीक है, और यहाँ वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, वहां पर 7 है, ठीक है, तो 2 × 22/7 × 7, ठीक है। अब ये 7 से 7 कट गया यहाँ पर, अब बचा 22/22, तो इक्वल टू, अब इसका वृत्त का परिधि है तो 2 × 22 कितना होता है 44 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो में, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।